स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के वैसे तो अलग अलग तरीके हैं। इससे पहले मैं आपका एक कॉमन डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये इन्वेस्टर और ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है। वैसे तो इस सवाल के अंदर पूरा स्टॉक मार्केट छुपा हुआ है, और अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो समझ लेना कि आप 10% मार्केट सीख गए हो। जैसे शादी करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट चलने के लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर की ज़रूरत होती है। ट्रेडर हमेशा इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और इन्वेस्टर हमेशा ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट चलने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी क्या होते हैं ये मैं फिर कभी बताऊँगा, फिलहाल अपने सवाल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो, पहले इन्वेस्टर से शुरू करते हैं। वैसे इन्वेस्टर अपने स्टॉक को एक साल से लेकर कई सालों तक होल्ड करता है। इन्वेस्टर उस माझी की तरह होता है जो अपनी नाव लेकर समुंदर की ओर निकल पड़ता है। वो समुंदर के रोम रोम को समझ लेता है, वो पानी के हर एक अंदाज को जान लेता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसके अनुसार ही चलता है, बल्कि कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आती है। माझी वो होता है जो पानी के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ उतरता है। जैसे कि हाई टाइड या तूफान भी आए तो उनसे बचने के तरीके को निकलने से पहले ही प्लान करता है। आप अगर गौर करो तो इन्वेस्टर में भी यही सब क्वालिटीज तो होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि माझी का सारा खेल पानी पर डिपेंड करता है और इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट पर। जैसे माझी पताकों के सारे हवा का रुख देखकर अपनी रणनीति बनाता है, ठीक उसी तरह इन्वेस्टर भी मार्केट के रुख के अनुसार ही अपनी रणनीति बनाता है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लेकिन वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, और कभी उसे लॉस भी हो जाए तो ज़्यादा डगमगाता नहीं, बल्कि अपनी गलती से सीखता चला जाता है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ अगर आप हमेशा ट्रायल एंड एरर से सीखते जाओगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। सो बेटर वे है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। चालाक इन्वेस्टर यही सब तो करते हैं। देखिए, इन्वेस्टर वो नहीं होते जो किसी भी ऐरे गहरे कंपनी में साल दो साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं बिना उस कंपनी को पूरी तरह जाने। कुछ लोगों को तो जिस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी नहीं होती। अब दूसरी कैटेगरी की ओर चलते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है ट्रेडर की। ट्रेडर हमेशा स्टॉक को कुछ सेकंडों से लेकर 6 महीनों तक होल्ड करता है। ट्रेडर हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करता है। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसका सीधा मतलब है कि पहले जो घटनाक्रम घट चुका है वो दोबारा घट जाना। जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात लेते हैं, इस 2015 के वर्ल्ड कप से पहले हर वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। मान लो कि वर्ल्ड कप का भी कोई टेक्निकल एनालिसिस होता तो वो आपको बताता कि इस वर्ल्ड कप में भी भारत ही जीतेगा, और सही में भारत जीत गया। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। अब टेक्निकल एनालिसिस की दूसरी बाजू देखते हैं। वर्ल्ड कप में ये भी चलता आ रहा था कि 2015 से पहले के हर वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया है। अगर इस वर्ल्ड कप से पहले आप टेक्निकल एनालिसिस करते तो वो आपको बताता कि इस बार भी साउथ अफ्रीका ही जीतेगा, लेकिन इस बार तो उल्टा हुआ, भारत जीत गया। सो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीधे सीधे ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस भी कभी गारंटी नहीं देता। नेवर। बात रही ट्रेडर की, तो सिर्फ 5% ट्रेडर प्रॉफिट कमाते हैं।